मैं अभी नवाज के बंगले से आई हूँ और मेरे बच्चे हैं जो कि वहाँ बैठ के, वो बच्ची मेरी रो रही है, बहुत परेशान हो रही है और हमें बंगले से निकाल दिया है और बोला है कि आप इस बंगले में नहीं आ सकते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास 81 रुपीज़ है, ना मैं होटल है, ना मेरे पास घर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, किसको कॉल करूँ। और मेरी बच्ची परेशान हो रही है इस वक्त और मुझे नहीं पता कि नवाज़ इस तरीके की हरकत इसको शोभा देती है। इस इतना गिर चुका है नवाज़, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी माफ़ नहीं कर सकती। जो बच्चों के साथ मेरे कर रहा है वो कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और मेरी बच्ची की जो हालत हो रही है, जिस तरीके की मेरे दो बच्चे की हालत हो रही है, वो सब आपको दिखाना चाहती हूँ कि नवाज़ ने रात के मुझे इस वक्त 11:30 बजे 12 बज रहे और इस तरीके की रोड में खड़ा करके रखा हुआ है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ इस वक्त अपने बच्चे लेके। सो नवाज़ ने कल एक्चुअली कोर्ट में एक केस डाला हुआ है जिसमें उनका कहना है कि ये बच्चे उनको चाहिए, ये कस्टडी बच्चों की वो ये चाहते हैं, बच्चों की कस्टडी वो चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोग से ये जानना चाहती हूँ, जिस शख्स ने कभी बच्चों को महसूस ही नहीं किया, ना पेट में महसूस किया, ना पेट में होने के बाद महसूस किया, ना बड़े होने तक, उसको पता ही नहीं डायपर कितने का आता है, डायपर पहनाते कैसे, जिस उसको ये नहीं पता चला बच्चे कैसे बड़े हो गए, 12 साल के कैसे हो गए, कौन से बच्चों का कपड़ा कब किस एज में चेंज होता है, उसको कुछ नहीं पता। वो बच्चे मुझसे छीन के आज अपने पावर से ये दिखाना चाहता कि वो बहुत अच्छा बाप है। अच्छा बाप है, बुजदिल बाप है कि एक माँ से उसका बच्चा छीन रहा है, उसकी माँ से एक बच्चा छीन रहा है, अपने पावर से यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, चूँकि उसको ये नहीं पता कि सबसे बड़ा पावर जो इस ब्रह्मांड में चल रहा है ऊपर है। अपने पैसे से तुम कितने लोग को भी खरीद लो, कितने लोग को खरीद लो, मेरे बच्चे नहीं छीन सकते, कभी नहीं छीन सकते। तुमने मुझे पत्नी नहीं माना, तुमने सबके सामने अब ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा अपना पति माना, हर डॉक्यूमेंट से लेकर हर चीज़ में मैंने पति माना। और मेरे धोखे में रही कि तुमने मुझे पत्नी माना, उस चीज़ को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मैं ये जख्म कभी भरेगा, क्योंकि मेरी जवानी के दिन से लेकर आज मैं 40 ईयर्स की हो रही हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती लाइफ में टाइम मैंने तुम्हें दी, और उसके बाद तो मेरे बच्चे छीनने की बात करो, मेरे बच्चे ले जाओगे मुझसे, और तो मेरे पास एक एक पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंशियली लॉस चल रही है, मेरे पास पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। इस शख्स ने मुझे हमेशा पर मैंने कभी इस चीज़ को बोला कि मैं फाइनेंशियल इसमें हूँ, बट अब मैं बता रही हूँ कि मेरे हर तरफ से इसने मुझे कमजोर करके रखा हुआ है, बट अब मेरे पीछे छीनने की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि यार ये आदमी इतना गिर चुका है अपने पावर के और अपने फेम के चक्कर में, ना बौखला गया, इसको पता ही नहीं कि माँ से बच्चा छीन रहा है, जिसने अपने बच्चों को सीने से, आज भी मेरे दोनों यहाँ अच्छे पक्के सोते मेरे गले में, और ये मुझसे बच्चे छीनेगा, उससे बच्चे छीन के कहाँ रखेगा, मेरे बच्चे क्या रह लेंगे इसके साथ। एक बच्चे को तो पता भी नहीं कि बाप क्या होता है, उसने प्यार एहसास ही नहीं दिया कभी अपने बेटे को, कभी गले से नहीं लगाया, सिर्फ एक ही बच्ची दिखती है इसको, एक ही बच्ची, वो भी बड़े होने के बाद, उसके पहले तो कभी नहीं दिखते थे। तो मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि ये फैसले मेरे हक पे आएंगे, और आप सबसे मैं इतनी दरख्वास्त करती हूँ कि बस आप इस आदमी की डार्क साइड। आप सब लोग सोचते होंगे कि मैं बार बार आप लोग के सामने आके गालियाँ खाती हूँ, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग गालियाँ देते हैं, पर जो गालियाँ देते हैं उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कितने साल की एक जर्नी है इस औरत की, जिसने अपना वक्त, अपना टाइम, सब कुछ दिया है, और वो स्पेशली मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। पर एक शख्स जो एक पावरफुल प्लेस पे है, पावरफुल एक जगह पे है,
वो अपने पावर से अपनी चीज़ों से मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाह रहा है और बहुत आसान है उसके लिए, उसके पास पावर है, उसके पास पैसे। जब भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेन, आज तक वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने नहीं लिया जबकि मैंने 6 कंप्लेन किया हुआ है, 6 कंप्लेन में इतनी सीरियस एलिगेशन तक लगाए हुए हैं जो कि मैंने खुद दिया हुआ है कि यदि आप मेरे साथ शादी में नहीं थे और आपके हिसाब से मैं लिविंग में थी तो इतने साल से आप मेरे साथ जो कर रहे थे वो गलत है, तो इससे तो आपका रेप केस बनता है। और इतना सीरियस एलिगेशन लगाने के बाद वर्सोवा पुलिस इसके अगेंस्ट कुछ भी कंप्लेन नहीं ले रही है, और इसके अलावा हमने 6 कंप्लेन और दिया हुआ है, हालांकि उसका भी कुछ नहीं हुआ है। मेरे वकील जब मुझसे साइन लेने आते हैं तो उनको अंदर आने नहीं दिया जाता है। अंदर तो छोड़िए, बंगले के दूर दूर तक जो 8 से 10 गार्ड बैठा के रखे हुए हैं मेरी चीज़ों को नज़र रखने के लिए, चारों तरफ कैमरे लगा के रखे हुए कि मुझसे कोई मिलने ना आए, मेरा कोई खाना ना देने आए, मेरी कोई चीज़ें ना आए अंदर। हाँ, हालांकि बच्चों की आ जाती है, बच्चों के साथ चूंकि उनके होने से मेरी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें। एक आदमी इतना पावरफुल है कि एक औरत को अपने ही घर पे, चूंकि उससे वो बात करने आई है और अपनी एक हक की बात करने आई कि भाई मुझे बताओ आप, मैं जिस तकलीफ में मैं गुजर रही हूँ उससे मैं बात करने आई हूँ, और उसके ना होने पे उसकी मेरी मदर इन लॉ ने मेरे खिलाफ़ एक FIR कर दिया। रात के टाइम पे अचानक पुलिस आ गई 12 बजे रात को, और रात के 3:30 बजे तक FIR लिखी जाती है मेरे लिए, और सबका रिकॉर्ड है, मैंने सब रिकॉर्डिंग की है, किस वक्त पुलिस गई है, किस वक्त रात को आई है, और अचानक फिर मुझे टॉर्चर किया जाता है कि आप गलत काम कर रहे हो। मैं घर पे अपने पति के घर आ रही हूँ और कोई गलत काम करूँगी, मैं किसका क्या बुरा करने आई, सब कुछ है मेरे पास में प्रूफ कि मैं यहाँ पर क्या करने आई थी। हालांकि इन्होंने जिस तरीके से मेरी हालात और जिस तरीके से चीज़ें बनाई है वो आप लोगों का अंदाज़ा नहीं होगा। आप लोग कुछ कमेंट्स मुझे आते हैं, जिस तरीके से मुझे गालियाँ आती हैं, मुझे कोई इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क पड़ता इस चीज़ से है कि एक बच्चे की माँ हूँ मैं, जो अपने बच्चों को पाल रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करने की कोशिश कर रही हूँ। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है कि जब उसको गाली दी जाती है, उसके कैरेक्टर पे उसको गंदी गालियाँ दी जाती है। आप लोग का कहना है, बहुत सारे लोग का कहना होता है कि मैं नवाज़ के पैसे के लिए आई हूँ, नवाज़ की प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ, ये आपको तो पता ही नहीं यार, मेरे अकाउंट में आज भी 0 बैलेंस है, 0 बैलेंस। आप जानते हैं यदि एक आदमी 8 से 10 करोड़ रुपए अपने चार्ज करता है, एक फिल्म का लेता है और उन साल में 2 से 3 फिल्में करता है, उसकी पत्नी के अकाउंट में 0 बैलेंस है। मैंने कभी कंप्लेन नहीं की इससे, मेरी शिकायत इतनी रही है कि जितनी ज़रूरत है उतनी भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आपका होना किसी लायक मेरे जीवन में नहीं है। मेरे बच्चों की ज़रूरतें, मेरी खुद की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं किया। आज मैं 12 साल बाद बोलने पे मजबूर इसलिए हो रही क्योंकि मेरे हालात उसने मेरे इस तरीके से बना दिया है कि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। इस घर से यदि मैं जाती हूँ तो बाहर मैं रोड में कहाँ जाऊँ, जहाँ मैं होटल में अपना अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं होटल में किराया नहीं दे सकती हूँ, जहाँ खुद मेरी और हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है जो हम दोनों ने जॉइंट पे उसने लेके दिया था उस पे किराए वाले लोग रहते हैं, 2 साल का लॉकिंग पीरियड है, तो मैं बच्चों को लेके किधर जाऊँ, किस जगह पे जाऊँ, आप लोग बताइए मुझे। और मैं क्या गलत कर रही हूँ यदि मैं अपने पति के घर आई हूँ ना, तुम दुबई के बोलते हो, आज लोगों के सामने बोल रहे हो कि दुबई का मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना, अरे दुबई का तुम बिजली का बिल भर नहीं पा रहे हो, वहाँ की AC कट गई है, वहाँ का रेंट नहीं भर पा रहे हो, तो वहाँ रेंट नहीं भर पा रहे, बिजली की लाइट कट गई है, तुम्हारे वाईफाई का बिल कट गया है, फ़ोन बिल, इतने सारे बिल है, बेटी के बिल है, मेरे बिल है, मेड के बिल है, बिल नहीं भर पा रहे हो आप, किस क्या सोच के दुबई भेज रहे हो आप? पहले आपके पास वो चीज़ तो होनी चाहिए ना, गुंजाइश तो होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। जब आप उस चीज़ को वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे हो तो क्यों आप दुबई भेज रहे हो, क्यों दुनिया को दिखाना चाह रहे हो आप महान एक्टर हो, बहुत बड़े एक्टर हो, तुमने गांव से पढ़े तो बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हो। अरे पहले संस्कार तो अच्छे दे दो, अपने बच्चों को संस्कार तो अच्छे दे दो, ना एक अच्छा इंसान बन पा रहा है वो, ना एक अच्छा बाप बन पा रहा है। मेरी बस आपसे एक विनती है, और हाँ मैं सबसे बड़ी ये विनती करना चाहती हूँ, यदि ये वीडियो महाराष्ट्र के CM साहब, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, यदि आप तक ये वीडियो पहुँच जाए
तो ये जो पावरफुल आदमी है, जिस तरीके से मेरे पे अत्याचार कर रहा है, जो कि वर्सोवा पुलिस स्टेशन से लेकर हर आदमी मेरी कोई कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं, जिस तरीके से मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आप एक बार इस चीज़ पे नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि ये एक माँ की लड़ाई है जो 12 साल से अपने बच्चों को लेके एक सिंगल हैंड पालती आई है, और मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाह रहा है, और मैंने इतने सीरियस एलिगेशन लगाने के बाद भी कोई कंप्लेन नहीं ली रहे। तो मेरी आपसे बस विनती है।